पहला सामुएल अध्याय 4 हमें इज़राइल और पलिश्तियों के बीच युद्ध की कहानी बताता है। पलिश्ती इज़राइल के दक्षिण पश्चिम के कई क्षेत्रों से बना एक देश था। उनके पास इज़राइलियों से अधिक शक्तिशाली हथियार और कई महान योद्धा थे। इसी कारण अंत में पलिश्ती जंग जीत जाते हैं। इज़राइलियों ने सोचा कि उनकी हार का मुख्य कारण उनके पास वाचा के संदूक का ना होना था। वास्तव में युद्ध जीतने के लिए उन्हें संदूक की नहीं परमेश्वर की आवश्यकता थी। उन इज़राइलियों की सोच बहुत गलत थी। इज़राइल संदूक को युद्ध के मैदान में ले आए क्योंकि उनको लगता था कि परमेश्वर का संदूक उनके साथ में होने पर वे जंग जीत जाएंगे। उन्होंने जोर से लड़ने के लिए ललकारा और अपनी लड़ने की इच्छा को भी मजबूत किया। परंतु इसका परिणाम क्या हुआ? इस बार फिर से इज़राइली जंग हार गए। इतना ही नहीं, उन्होंने वाचा का संदूक भी खो दिया। इस दिन के बाद इज़राइली पलिश्तियों से और भी ज्यादा डरने लगे। समूएल ने सारे इज़राइलियों को मिस्पा में इकट्ठा किया और उनसे कहा, अपने सारे मन से यहोवा की ओर फिरो, अपने आप को विदेशी देवताओं से छुटकारा दिलाओ, अपने आप को प्रभु को सौंप दो और केवल उसकी सेवा करो, वह तुमको पलिश्तियों के हाथ से बचाएगा। तब उन इज़राइलियों ने जल भरकर यहोवा के सामने उड़ेल दिया। उस दिन उन्होंने उपवास करते हुए पश्चाताप के साथ परमेश्वर की प्रार्थना की। उसी दिन पलिश्ती उन पर चढ़ाई करने के लिए आए। इज़राइली अभी भी डरे हुए थे, परंतु उन्हें एक बात का पता चल गया था कि वे लड़ाई तब जीतेंगे जब परमेश्वर उनके साथ होगा, ना कि वाचा का संदूक। इज़राइलियों ने समूएल से कहा, हमारे लिए परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़ कि वह हमको पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाए। तब समूएल ने एक मेमना लेकर यहोवा के लिए होमबलि करकर चढ़ाया। उसने इज़राइलियों की ओर से परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी। ऐसा तब हुआ जब पलिश्ती मिस्बा के करीब तक पहुंच चुके थे। पर इस बार इज़राइली युद्ध की तैयारी के लिए नहीं बल्कि प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हुए थे। पलिश्तियों ने सोचा था कि वे इस बार भी आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। यहोवा ने समूएल और इज़राइलियों की प्रार्थना को सुना और परमेश्वर पलिश्तियों के विरुद्ध बड़ी जोर से गरजा। यह आवाज इतनी भयानक थी कि सभी पलिश्तियों को चक्कर आ गया और वे घबरा गए। पलिश्तियों की युद्ध की तैयारी और उनके शक्तिशाली हथियार इस बार किसी भी काम के नहीं थे, और इसी समय इज़राइलियों ने पलिश्तियों को हराना आरंभ कर दिया और उन्हें मैदान से भगा दिया। इज़राइल के लोग जानते थे कि परमेश्वर ने उनकी सहायता की है। इस घटना को याद करते हुए समूएल ने उस स्थान पर एक पत्थर लिया और उसे खड़ा किया और उसने कहा कि यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की है, और उसने उस पत्थर का नाम एबेनेजर रखा। दोस्तों, इज़राइलियों ने वापस पीछे मुड़कर देखा कि वे कैसे परमेश्वर से अलग हो गए थे और उन्होंने फिर से परमेश्वर पर भरोसा किया, और फिर परमेश्वर ने उनकी ऐसी सहायता की जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब हम अपने पापों से पश्चाताप कर परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसके पास सच्चे मन से लौट आते हैं, तो परमेश्वर भी अद्भुत तरह से हमारी भी सहायता करता है।